नमस्कार, पावर ऑफ मंत्रा के DA03 में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक धर्म क्या है, धर्म आराधना का महत्व क्या है, संकल्प क्या है, संकल्प का महत्व क्या है वो जाना और समझा। आज हम उस टॉपिक के बात करेंगे इसकी ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के प्रकार किस तरीके से, ऊर्जा के प्रकार होते हैं, ऊर्जा क्या है। हम सभी को मालूम है कि हम जो भी होता है हमारे साथ, हम जो भी करते हैं, कुछ भी होता है, संयोजन होता है, विघटन होता है, सभी ऊर्जा से होता है। ऊर्जा के प्रकार अगर प्रकृति में कई कई अलग रूपों में मौजूद है, उनके उदाहरण है जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा वगैरह वगैरह। ऊर्जा के कई विशिष्ट जो प्रमुख प्रकार है उसमें दो प्रकार के है। एक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा एक स्थिर रहती है, एक गतिमान ऊर्जा रहती है। हम सभी को मालूम है कि प्रत्येक ऊर्जा को कोई एक अन्य रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है, और कोई भी कार्य हो ऊर्जा के बिना काम नहीं चलता। या हम आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, हम जो खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं वह ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे सारे फंक्शन को चलाने में सहायभूत होती है। पंच महाभूत तत्व और उसी से बना हमारा यह शरीर हर एक तत्व की ऊर्जा और उसके बैलेंस से ही चलता है। जहाँ जहाँ ये तत्व का संयोजन होता है या विघटन होता है वो ऊर्जा से ही होता है, या तो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा का उपयोग होता है। हमारे शरीर के आसपास एक और शरीर होता है जिसे हम प्राण शरीर, ओरा, आपा मंडल कहते हैं, उसमें प्राण ऊर्जा होती है। उसके आसपास एस्ट्रल यानी कि एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसके बाद कारण शरीर, इथर बॉडी होता है जिसमें हमारे सारे और खराब विचारों के मानसिक कार्यकरण भाव होते हैं। यह शरीर में हमारे साथ चक्र भी होते हैं जो पूरे स्थूल शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। हमारे ये चक्र हमारी भावनात्मक विचारधारा, खान पान, कलर के उपयोग, सुगंध जैसी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, और ऊर्जा का प्रवाह कम ज़्यादा बंद हो जाता है जिससे हमारे स्थूल शरीर में रोग या मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमारे हर शब्द ध्वनि में भी ऊर्जा होती है, हमारे हर विचार में भी ऊर्जा होती है, हमारी चारों ओर एक और ऊर्जा होती है जो हमें एक दूसरे से जुड़कर रखती है और उसी के माध्यम से हम ऊर्जा का व्यवहार करते हैं, वो है कॉस्मिक ऊर्जा। वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर या डार्क तत्व कहते हैं। हर एक चीज़ में ऊर्जा होती है अपने अपने स्वरूप में, जैसे कि पेड़ में, फल में, सब्जी में, टेबल में, कबाट में, प्राणी में, सजीव और निर्जीव सभी में। हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनके अणु परमाणु की गति और उनके बीच की जगह में ये ऊर्जा रहती है जिसे हम वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। जो वाइब्रेशन जोड़ने का अच्छा और सकारात्मक काम करता है उसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं। जो वाइब्रेशन तोड़ने का बुरा और नकारात्मक काम करता है उसे हम नेगेटिव वाइब्रेशन कहते हैं या नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जैसे हमने नेगेटिव वाइब्रेशन नाम दिया है वो भी बेसिकली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर उस कार्य के लिए पॉजिटिव है और वो कार्य हमें एक दूसरे कार्य के सापेक्ष में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशन है। बाकी ऑलवेज एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन द वर्ल्ड, देयर इज नो नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इज द एंड ऑफ द पॉजिटिव वाइब्रेशन। जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन की कार्य करने की जो भी स्थिति क्षमता है वो पूर्ण होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई या बिजली में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, लेकिन जो न्यूट्रल हम जिसे बोलते हैं वो भी एक फेज का ही भाग होता है जो एक साधन से होकर गुजर कर हमारे पास आता है, हम उसको बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वो भी एक फेज ही है या बिजली का तार ही है। इस तरीके से ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है। यार ऊर्जा हर हमेशा अपने स्वरूप में ही होती है, उसे पॉजिटिव या नेगेटिव हमारी सोच, नजरिया और ज्ञान के आधार पर हम बनाते हैं या उसको बताते हैं। जैसे कि कोई एक चेयर की शीशी आपके सामने है, एक डॉक्टर है, आप उसको देख रहे हैं, डॉक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में एक दर्दी है, राइट हैंड साइड में एक दर्दी है। डॉक्टर को मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर जहर का एक टिपा दिया जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाले को एक टिपा दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है, हम देखने वाले के पास, वो देखता है कि डॉक्टर इसको जहर दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाले दर्दी को और मार डालेगा, वो नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन वो हमारा एक नज़रिया, हमारे ज्ञान की लिमिटेशन है, इसलिए हमको लगता है।
बाकी डॉक्टर जानता है कि उसको देने से पॉजिटिव कार्य होगा और वो जिंदा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जहर वो है, एक ही चीज़ है, डॉक्टर भी यही है, जहर एक बूंद देने की प्रक्रिया भी सेम है, लेकिन जिसको जिसको दी जा रही है उसके मोटिव अलग है, उसके परिणाम अलग है, और वो परिणाम जो जानता है उसके लिए उसको मालूम है कि इसको करने से पॉजिटिव है, इसको देने से पॉजिटिव नहीं है तो इसको नहीं देता है। लेकिन अगर उनके पास और ज़्यादा ज्ञान होता कि इसको एक टीपा अभी देने से उसकी सदगति हो जाएगी, तो वो ज़रूर वो जहर का टीपा उसके लिए भी पॉजिटिव होगा, भले ही ना उसकी मूत्र मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी सदगति होनी अगर निश्चिंत है उस समय अगर दिया जाए तो वो भी उसके लिए पॉजिटिव कार्य है। लेकिन जो देख रहा है, प्रेक्षक है, उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो उसको तो क्या लगता है कि भाई ये नेगेटिव कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा हर हमेशा अपने स्वरूप में ही होती है, उसे पॉजिटिव या नेगेटिव हमारी सोच, नज़रिया और ज्ञान के आधार पर हम बनाते हैं या बताते हैं। ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है, जिसे हम भगवान, कुदरत, कर्म के सिस्टम, पाप पुण्य का फल, जन्म मन का चक्कर वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ ऊर्जा से ही चलता है। मनुष्य या किसी भी जीव को ये सोचना नहीं चाहिए या मानना नहीं चाहिए कि यह मैंने किया है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ऊर्जा ने यह किया है या मेरे द्वारा कराया है। तो अभी सब लोगों को समझ में आ गया, एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज ऊर्जा, वाइब्रेशन, विचार, थॉट, वही पावर है, वही सब कुछ चलता है, तो उसी के हिसाब से चलता है। अब हम जानते हैं ऊर्जा के प्रकार क्या हैं। हमने अभी समझा कि ऊर्जा क्या है और सब कुछ उसी से चलता है। ऊर्जा बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, पर यहाँ हम सिर्फ हीलिंग ऊर्जा की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है, पावर ऑफ मंत्रा जो है, वो दूसरे किसी ऊर्जा के बारे में बात करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमारा जो ऊर्जा की हमारी जो ज़रूरत है, वो एक हीलिंग ऊर्जा की ज़रूरत है, हम उसके बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने आगे देखा कि ऊर्जा के कई विशिष्ट प्रकारों में प्रमुख रूप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है मुख्यत्व रूप में, एक ऊर्जा गति वाली होती है, एक ऊर्जा स्थिर होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु या पिंड के घूमने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, जिसमें कि यांत्रिक ऊर्जा का समावेश है, विद्युत ऊर्जा आदि शामिल है। और अगर हम हीलिंग ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें कुछ मूवमेंट वाली वस्तु, कुछ गति वाली वस्तु से अगर हमको हीलिंग मिल रहा है तो हम उसको गतिज हीलिंग ऊर्जा बोल सकते हैं। स्थित ऊर्जा जो भविष्य में उपयोग के रखे या रखी जा सकती है, संग्रहित उसको करा जा सकता है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। जैसे कि कोई परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि शामिल, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो व्हीकल में बैटरी आती है या मोटर में बैटरी आती है, तो बैटरी में जो ऊर्जा का संग्रह हुआ है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, हमारी मोबाइल की बैटरी में जो ऊर्जा का संग्रह होता है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो स्थितिज ऊर्जा है। इसी तरीके से कोई फल में या पानी में जो ऊर्जा संग्रहित की गई है और उस ऊर्जा का हम हीलिंग के लिए उपयोग करते हैं, तो वो स्थितिज हीलिंग ऊर्जा है। जैसे कि किसी फल में, फूल में, खाने में, पीने में, या कोई क्रिस्टल में है ऊर्जा, या कोई यंत्र में ऊर्जा है स्टोर की गई, तो वो स्थितिज ऊर्जा है, उसको हम स्थितिज हीलिंग ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि क्रिस्टल है, नंग है, रुद्राक्ष है, यंत्र, फोटो, जिसमें ऊर्जा स्टोर की जाती है, स्टोर होती है, उसे स्थितिज हीलिंग ऊर्जा कहेंगे। सूर्य की किरणें, पवन, जलधारा, वायु, कॉस्मिक ऊर्जा जैसी दूसरी कोई भी ऊर्जा जो गतिमान है, उसे अगर हम हीलिंग के लिए उपयोग करते हैं तो उसे गतिज हीलिंग ऊर्जा कहेंगे। जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा, मंत्र ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा जैसी बहुत सारी ऊर्जा हीलिंग के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये सभी सपोर्टिव थेरेपी है। ये जो हीलिंग ऊर्जा की थेरेपी है, या जो भी हम बोलते हैं कि पावर ऑफ मंत्र जो भी है, वो कहाँ सपोर्टिव थेरेपी है, मेन थेरेपी उसको नहीं बोल सकते, प्रमाणित थेरेपी नहीं है। हमने जो मनुष्य ने या दुनिया ने जिसको प्रमाणित थेरेपी बोला है, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जैसी प्रमाणित थेरेपी ये नहीं है, सपोर्टिव है। और कोई भी थेरेपी आप पकड़े तो वो थेरेपी अपने आप में एक संपूर्ण नहीं है। आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, कोई भी थेरेपी आप ले लो, अरोमा थेरेपी, मर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, कलर थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, कोई भी थेरेपी आप ले लो, तो वो हीलिंग के लिए अपने आप में संपूर्ण नहीं है। समय, प्रसंग, जरूरियात, संयोग सही उसका संयोजन या उपयोग करें तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ एलोपैथिक काम न करें या आयुर्वेदिक काम करता है, जहाँ आयुर्वेदिक में लंबा टाइम लगता हो वहाँ एलोपैथिक में शॉर्ट टाइम में काम हो जाता है। अगर एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों काम नहीं कर रहे वहाँ पर हो सकता है होम्योपैथिक काम करने लगे, होम्योपैथिक से अच्छा रिजल्ट मिले। अगर ये तीनों भी काम नहीं करती है, वहाँ पे कोई कलर थेरापी या कोई यंत्र थेरापी या सुगंध एरोमा थेरापी, मण थेरापी, ऐसी कोई हीलिंग पद्धति से, ऊर्जा हीलिंग पद्धति से, रेकी से, प्राणिक हीलिंग से, ऐसी कोई दूसरी हीलिंग पद्धति से भी वहाँ हो सकता है कि झड़पी काम हो, तो दूसरी एलोपैथी काम नहीं कर रही है वहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ही एक विचार शक्ति भी है जो इथर से कनेक्टेड है, जो हमें हीलिंग या तो कोई नई चीज़ करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी शक्ति, हीलिंग शक्ति या ऊर्जा शक्ति जो भी है, उसको आकर्षित करना, ट्यून करना, वो करना, सब कुछ करना, वो विचार और विचार की शक्ति से होता है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज़ दो बार बनती है, पहले विचारों से मनुष्य के मन में और दूसरी बार हकीकत की दुनिया में। जय जिनेंद्र।